जंगल का ऊफ। बहुत बहुत साल पहले जंगल पर एक ऊफ राज करता था। वो घने जंगल के अंदर सोने और रत्नों के महल में रहता था। वो ऊफ बहुत कम ही बाहर आता था और जब भी वो आता वो अपने साथ घास की चाबियां ले आता ताकि वो वापस जाने का रास्ता ना भूल पाए। एक रात, मेरा बेटा, अच्छे से सो जा बेटा। हाँ, काश हम अमीर होते तो मैं तुम्हें मखमल और रेशम के कपड़े पहनाती। तुम्हारे पापा को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती और वो हमेशा हमारे साथ घर पर रहते। हम बग्घी में बाहर घूमते और हमारी सेवा में नौकर चाकर होते। हमें सोने की थालियों और बढ़िया कांच के गिलासों में स्वादिष्ट खाना और शरबत परोसी जाती। काश हम अमीर होते। जरूर तुम्हारे पापा होंगे। बोलिए, क्या तुम बूढ़े आदमी पर दया करोगी? मुझे बहुत ठंड लग रही है, अंदर आके हाथ सेक सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, प्लीज अंदर आइए। इसे अपना ही घर समझिए। मैं आपके लिए पीने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। लगता है कि इस बार सर्दियाँ कुछ ज्यादा ही जल्दी आने वाली है। ये लो, उम्मीद है आपको पीकर अच्छा लगेगा। तुम्हारा शुक्रिया। प्लीज हमारे साथ खाना खाइए, मेरे पति और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो बस आते ही होंगे किसी भी पल। विल, डार्लिंग, हमारे यहाँ मेहमान आए हैं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाती हूँ। हेलो सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी। तुम्हारी पत्नी ने मेरी बहुत सेवा की है। आप दोनों को भूख लगी होगी। सुनो, मैंने तुम्हारा मनपसंद भुना हुआ बटाटा और उसमें मस्का और चीज डालकर बनाया है और साथ ही मीठे में तुम्हारे लिए ऑरेंज पुडिंग बनाई है। प्लीज थोड़ा और लीजिए, खाइए। मेरा तो पेट भर गया। शुक्रिया, खाना बहुत अच्छा था। आज रात आप कहाँ सोने वाले हैं सर? हाँ, लगता है आज रात तो जंगल में किसी कोने में बितानी पड़ेगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम यहीं आग के पास आपके लिए सोने के लिए कमरा तैयार कर देंगे। इतनी ठंडी में बाहर रहना ठीक नहीं होगा, प्लीज यहीं रहिए। आप बहुत दयालु हैं। अगर आपकी मर्जी हो तो ही सर, हमारा घर भले ही छोटा है पर हमें पसंद है। पर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। घर तो उसमें रहने वाले लोगों से बनता है। शुक्रिया, मैं यहाँ रुकना चाहूँगा। तुमने ऐसा क्यों कहा कि हमारा घर बहुत छोटा सा है? ऐसा लग रहा था जैसे तुम एक राजा को एक छोटी सी कुटिया में रहने के लिए कह रहे हो बजाय उसके विशाल महल में। क्या तुमने सच में उसे नहीं पहचाना? कौन? वो अजनबी? क्या हम उसे जानते हैं? मेरी प्यारी पत्नी, वो जंगल का ऊफ है। तुमने उसके बेल्ट से घास की चाबियों को लटकते हुए नहीं देखा? क्या वो ऊफ हमारे घर में है? ये सच है? ठीक हमारे कमरे के नीचे? हाँ। ओह, इतना शक्तिशाली जीव हमारे घर में, ये सोचकर भी बहुत डर लग रहा है। थोड़ा डरावना भी है वैसे। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसके सारे नियम का पालन करता हूँ और मैं जंगल से उतना ही लेता हूँ जितनी मुझे जरूरत होती है। मैंने जंगल के किसी भी जानवर को नहीं मारा है। हाँ, पर वैसे एक बात बताऊँ, वो जिस घर में भी ठहरता है वहाँ इनाम छोड़कर जाता है। किटी पूरी रात सो नहीं पाई। सबसे पहले तो उसे इस बात से डर था कि ऊफ उनके घर के अंदर है और दूसरा वो सोच सोच कर पागल हो रही थी कि सुबह में वो क्या इनाम उनके लिए छोड़कर जाएगा। किटी, किटी उठ जाओ डार्लिंग, हमारा मेहमान चला गया और देखो वो हमारे लिए क्या छोड़कर गया है। सोने से भरी हुई इतनी बड़ी बोरी? ओह विल, हम इसका पूरा इस्तेमाल नहीं करेंगे किटी। हम इसमें से सिर्फ 50 सोने के सिक्के लेंगे और बाकी का बचाकर रखेंगे। तो किटी और बिली ने 50 सोने के सिक्के लिए
और बाकी का बचा हुआ अंदर रख दिया। उन्होंने घर के लिए नया फर्नीचर खरीदा। ओह, ये घर तो कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, पर इसके सामने हम थोड़े फीके लग रहे हैं, है ना? तो फिर हमें जाकर अभी नए कपड़े खरीदने चाहिए। तो विल और किटी ने थोड़े और पैसे निकाले और खुद के लिए सुंदर रेशम के कपड़े और शेरवानी खरीदा। ओ, तुम तो एक रानी लग रही हो माय डियर, और हमारा बेटा एक राजकुमार लग रहा है। ओ, क्या ये सब सच में हो रहा है? हमारे सारे सपने सच हो रहे हैं। मैं जश्न मनाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे लिए भुना हुआ बटाटा और उसमें मस्का और चीज बनाकर दोगी? वैसे एक बात कहूँ, क्या रानियाँ खाना पकाती हैं और क्या राजा भुना हुआ बटाटा खाते हैं? मतलब तुम जैसा बनाती हो वैसे कोई भी नहीं बना सकता है। चूल्हे के पास खड़े रहने से मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, और अब हम गरीब नहीं है। अमीर लोग वैसे भी खाना नहीं पकाते, उसके लिए वो नौकर जाकर रखते हैं। तो विल और किटी ने बहुत सारे नौकर रखे। विल ने काम पर जाना बंद कर दिया था और वो और किटी पूरा दिन बस आलसी बनकर घर पर ही पड़े रहते थे। मैं बोर हो गई हूँ, चलो चलकर कोई फिल्म देखकर आते हैं। हाँ चलो चलते हैं, पर हम वहाँ तक जाएंगे कैसे? बैलगाड़ी में तो बिल्कुल नहीं, चलो एक बग्गी खरीद लें। विल, मैडम देखिए रिचर्ड बहुत रो रहा है, मुझे लगता है कि ये चाहता है आप इसे सिलाएं। अभी नहीं, देख नहीं सकती कि हम काम से बाहर जा रहे हैं। इसका ख्याल रखो, इसी के तो हम तुम्हें पैसे देते हैं। विल और किटी ने थोड़े और पैसे निकाले और एक बड़ी बग्गी खरीदी जिसे 6 घोड़े चला रहे थे। अब पूरा शहर जान जाएगा कि हम कितने अमीर हैं। एक मिनट, ओह बग्गी तो हमारे घर से भी ज्यादा आलीशान लग रही है। हमने ये घर साथ मिलकर बनाया था हनी। इसका ये मतलब नहीं कि हम इसे तोड़ नहीं सकते, चलो इसकी जगह एक बड़ी सी हवेली बनाएं। तो विल और किटी ने और भी पैसे निकाले, पास में एक जमीन खरीदी और एक बड़ी सी हवेली बनवाई। ओह, ये इतना रो क्यों रहा है? मैम, ये बस चाहता है कि आप इसे लोरी सुनाएं। इसे मुझे दीजिए। जाते इसने रोना बंद कर दिया। तो ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इसकी माँ हूँ। वैसे हम उसे उसी के पैसे देते हैं ना? मेरा सिर फट रहा है। तुम बाहर से चाय क्यों नहीं मंगा लेते? मैंने पहले ही 3 कप पी लिया है, मैं चाहता हूँ कि ये शोर जल्दी से बंद हो जाए। रिचर्ड फिर से क्यों रो रहा है? ये बस आवाज सुनकर डर गया मैं। ओ मेरा बच्चा, ये तोड़फोड़ की आवाजें सुनकर परेशान हो गया है। तो तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूं? बंद करवा दूं और जो भी पैसा हमने उन्हें दिया है उसका क्या? खाना तैयार है सर। इसे अभी ले जाओ यहाँ से, मैं खाने की तरफ देख भी नहीं सकता हूँ। और अब तुम्हें क्या हो गया है? मुझसे इस तरह पहले कभी बात नहीं की है। अब रोना मत शुरू कर दो। मेरा सिर फट रहा है, ये आवाज, बच्चे का रोना, अब तुम्हारा रोना। मुझसे माफी मांगे बिना यहाँ से जाना भी मत। मुझे माफ कर दो। हमारे नौकर क्या सोचेंगे? मैंने कहा ना मुझे माफ कर दो। चिल्लाओ मत, हमारा बेटा अभी अभी सोया है। मुझे इस तरह से मत देखो, इस घर में जरा सी भी शांति नहीं है। किटी ने पहले कभी इतना हताश नहीं महसूस किया था, उसने सोचा कि वो सारी खुशी कहाँ गायब हो गई थी।
अब मुझे एक ही चीज से राहत मिलेगी, वो हीरे के झुमके खरीदूंगी जो मैंने उस दिन देखे थे। ये क्या? विल! 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 क्या तुम चिल्लाना बंद करोगी? विल, हमारे पैसे खत्म होने वाले हैं। क्या तुमने ये सब फिजूल के कपड़े और सोने के झुमके और हार क्यों खरीदे? क्या सिर्फ मैंने खरीदारी की? और जो तुमने वो सोने के बटन्स, वो बड़ी बग्गी और मखमल के सूट्स खरीदे, ये नौकर चाकर, ये पर्दे, ये फर्नीचर, हर रात बाहर जाकर खाना, ये हवेली। किटी, बस करो। आपके पास हमें पगार देने के लिए पैसे नहीं है तो बच्चे की देखभाल कौन करेगा? क्या मैं इसे गोद ले लूं? नहीं, नहीं, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। किटी डार्लिंग, क्या तुम ठीक हो? क्या कहां हम कहां? वो बस एक सपना था। ओह शुक्र है। तुम ठीक हो स्वीटहार्ट? हाँ। हमारा मेहमान जाना चाहता है, हमें उसे नाश्ता खिलाना चाहिए। मुझे और लकड़ियों की जरूरत है, क्या दुकान से थोड़ी और ले आओगे प्लीज? बिल्कुल। विल ने मुझे बताया आप कौन हैं? मुझे पता नहीं था। फिर भी तुम इतने अच्छे से पेश आई, मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहता हूँ। नहीं नहीं प्लीज, हमें किसी तरह का इनाम नहीं चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि मैं अपने घर की शांति भंग नहीं करना चाहती। जब मुझ जैसे लोग आसपास होते हैं तो अक्सर डरावने सपने आते हैं। नहीं, ये बस सपना नहीं था, ये एक चेतावनी थी। ये लो लकड़ी। वैसे विल, तुम तो जानते हो मैं कौन हूँ, मुझे तुम्हें इनाम देना होगा। प्लीज, हमें कोई इनाम नहीं चाहिए। सोच लो, मैं तुम्हें ये सब दे सकता हूँ। नहीं थैंक यू सर, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो आप मुझे एक मजबूत घोड़ा दीजिए, हमें आपसे कुछ और नहीं चाहिए। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ हमें यकीन है, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरह से विल और किटी हमेशा की तरह खुश रहने लगे अपने प्यारे बेटे के साथ, जिसने उनकी तरह ही खुश रहना, प्यार करना और लोगों की देखभाल करना सीख लिया।